हाय शार्क्स, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड की टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटीज में से 14 सिटीज अब इंडिया में हैं। हवा में मौजूद एयर पॉल्यूटेंट्स हमारे लंग्स में जाके कैप्चर होते हैं और इससे पैदा होती है COPD, अस्थमा और लंग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां। और इसी सब चीजों से आपको बचाने के लिए हम लेकर आए हैं नैनो क्लीन। हाय शार्क्स, मेरा नाम है प्रतीक शर्मा, मैं बीकानेर से हूं और मैं हूं फाउंडर नैनो क्लीन ग्लोबल का। नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित हमने एक ऐसी फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी बनाई है जो हवा में मौजूद छोटे से छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर करती है, और ये है हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो कि कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वियरेबल एयर प्योरीफायर नेजो 95। आपके नोज पे स्टिक होता है कुछ इस तरह, और ये हवा में मौजूद बैक्टीरिया, वायरसेस, पोलन और एयर पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करता है। अब ये तो हुई बात एयर पॉल्यूशन की, बट सांस की बीमारियों का एक और बड़ा कारण है जो कि है सिगरेट स्मोकिंग। इस एडिक्शन से आपको छुटकारा दिलाने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी से हमने बनाया है सिगीबर्ड। सिगीबर्ड निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे आधारित है और मदद करता है हर उस इंसान की जो सिगरेट की लत से छुटकारा पाना चाहता है। नैनो क्लीन की स्थापना 2017 में हुई थी और अब तक हम लोगों ने 2,00,000 से भी ज्यादा लोगों की ब्रीदिंग क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। हमारे प्रोडक्ट्स आप हमारी वेबसाइट और Amazon जैसे प्लेटफॉर्म्स पे खरीद सकते हैं और ये 250 से भी ज्यादा मेडिकल स्टोर्स पे उपलब्ध है। और आस्क इज जस्ट 80 लाख रुपीस अगेंस्ट डाइल्यूशन ऑफ 2%। सो जॉइन अस शार्क्स, आओ मिलकर सबकी सांस में सांस लाएं विद नैनो क्लीन। प्रतीक, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 2। थैंक यू सो मच। थोड़ा जानना चाहेंगे कहाँ से आप पढ़े और इसमें रुचि कैसे आई? मैं अपनी फैमिली का एक फोर्थ जनरेशन ऑफ सिविल इंजीनियर हूँ। बहुत बढ़िया। आपने कहाँ से इंजीनियरिंग की है? IIT दिल्ली। मेरा बैकग्राउंड बीकानेर से है जो कि डेजर्टेड लैंड है, और मेरी मदर को सीवियर अस्थमा है। उनकी एक पिक्यूलियर सी हैबिट थी, वो अपने फेस को ना दुपट्टे से ढक के रखती थी सर, क्योंकि धूल भरी आंधी एक कॉमन फिनोमिना रहा वहां पे। इस वजह से उनकी ये हैबिट थी। मुझे लगा कि शायद कुछ बेहतर इलाज इसका होना चाहिए। आई स्टार्टेड विद अ फेस मास्क, बट वो उसको नहीं यूज करती थी, सफोकेशन होता था। पहले प्रोफेसर्स हैं टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में, उनके साथ मैंने मिलके काम किया और ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया। बहुत अच्छा। और फाइनली जब सब कुछ डेवलप हुआ तो हमने एक स्टार्टअप की तरह इसे लॉन्च किया। दिखाओगे जरा प्रोडक्ट? जरूर सर, मैं आपको डेमो दिखाना चाहूंगा। दिखा दो। सबसे पहले मैं आपको अपनी टेक्नोलॉजी समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो आप ये देखेंगे कि ये है नैनो फाइबर से बने हुए फिल्टर्स। ये एक लेयर इससे बाहर आ रही है, ये है लेयर नैनो फाइबर्स की, और इस लेयर के अंदर ये जो धागे हैं, इसके धागे 100 गुना तक पतले हैं एक साधारण कपड़े के धागे से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई इसी फैब्रिक की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये है एक साधारण कपड़ा, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द थ्रेड ऑफ अ नॉर्मल फैब्रिक। और अब आप देखेंगे कि हमारे नैनो फाइबर्स से बना हुआ कपड़ा, इसके बीच में ये जो भी हेजी पार्ट है, ये हैं वो नैनो फाइबर्स, और इनकी मदद से अब इस कपड़े के पोर साइजेस इतने छोटे हो चुके हैं कि हवा में मौजूद छोटे से छोटा पार्टिकल भी इससे पास नहीं होगा। पर ये आप नैनो फाइबर समझा रहे हैं, ये तो आपका इन्वेंशन नहीं है ना, ये तो नैनो फाइबर है। अब मैं अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर अगर इसके अंदर बताऊं कि ये पूरा कंप्लीटली बायो कंपैटिबल पॉलीमर से बना हुआ है ताकि ये आपको हार्म ना कर सके। और दूसरा, चूंकि ये कपड़ा इतना फ्रेजाइल है, इसका इस पे स्टिक होना भी जरूरी है, तो यहाँ पे हमारा पेटेंट लाई करता है कि हमने किस तरीके से दोनों मेम्ब्रेन्स को एक साथ जोड़ के रखा है। अभी जो मैं आपको लेयर दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने लास्ट प्रोसेस नहीं किया ताकि मैं आपको फाइबर्स निकाल के दिखा सकूँ, तो ये फाइबर्स हमेशा इस पे इंटैक्ट रहेंगे। तो इसका आपने मास्क ही क्यों नहीं बना दिया इस फाइबर का?
इसका हमने मास्क भी बनाया। इस तकनीक का जब स्टार्टिंग के अंदर पेंडेमिक हिट हुआ, N95 मास्क तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं था, तो हम अपनी तकनीक से बना भी रहे थे N95 ग्रेड फेस मास्क, और जिससे भी हमने एक सिग्निफिकेंट बिजनेस जनरेट किया और सोसाइटी को सर्व किया। प्रतीक, हमें प्रोडक्ट दिखा दोगे जल्दी से? जरूर जरूर सर। ये भी लेना? हाँ, आपको मिरर लेना। ओ भाई सर, लग ही नहीं रहा यार ये। हाँ, सो मैं आपको इसका थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे इसको लगाना है। हाँ जी। आपको इसको पील करना है। पील करने के बाद में इंश्योर करिए कि आपका जो ये फिंगर है ये ऊपर की तरफ हो। उसके बाद में अब बॉटम ऑफ योर नॉस्ट्रिल्स पे आप इसको पेस्ट कर लीजिए इस तरीके से। बीच में बैंडेड की तरह इसके अंदर से निकल जाएगा। दिस इज लाइक अ बैंडेड, ये निकल जाएगा। लग ही नहीं रहा। निकल गया जब आप खींच रहे थे, मेरे तो अभी लग ही नहीं पाया। देखो भाई, मैंने 3 ट्राई कर ली, मैं फेल हो गया। इसमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आप इसको 2-5 मिनट तक इस्तेमाल करके रखिए, आप एडॉप्ट कर लेंगे उस चीज को। उसको पहले निकाल देता हूँ, थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अच्छा, तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को सिर्फ पोल्यूशन समझाइए आप। जी, पोल्यूशन फंडामेंटली होती है जो पार्टिकल्स होते हैं हवा में, ठीक है। इसके अलग अलग साइजेस होते हैं, तो आप कौन से पोल्यूशन को ब्लॉक कर रहे हैं? हमारे पास में 2 वेरिएंट है। एक है एयर पोल्यूशन के लिए। एयर पोल्यूशन के लिए PM2.5 जो 495 AQI के बारे में बात की गई है, उसके लिए ये प्रोडक्ट 95% तक एफिशिएंट है। अब जो नेजो 95 जो एडवांस वर्जन जो इस साल लॉन्च किया हमने, वो अब आपको पेंडेमिक के अंदर या वायरस के साइजेस N95 मास्क के लिए जो स्टडीज होती है वो 0.3 माइक्रोन पे होती है। 0.3 पे होती है। तो उसके लिए भी अब हमारी जो नेजो 95 एफिशिएंसी है वो भी मोर देन 95% है, इनफैक्ट 97%। तो आप 0.3 माइक्रोन तक को 95% ब्लॉक कर सकते हो। यस। मुझे ये प्रोडक्ट अभी उतना समझ नहीं आया, ये प्रोडक्ट फिर भी समझ में आ रहा है। ये आपका पेटेंट है? ये पेटेंट है। इसमें ऐसा क्या है? नैनो फाइबर्स तो और भी है आपके फाइबर, और बाकी नैनो फाइबर्स बायोडिग्रेडेबल नैनो फाइबर्स हैं इसके अंदर। बाकी नैनो फाइबर्स बायोडिग्रेडेबल नहीं है, हर जगह नहीं होते, बट अगर कुछ जगह है भी, तो जो हमारी रेसिपी है जिससे हम पॉलीमर बनाते हैं उससे थ्रेड डायमीटर 100 नैनोमीटर तक छोटा बन सकता है। ये खूबी है हमारे पॉलीमर की। तो इस खूबी का क्या क्या एप्लीकेशन है? ACs के अंदर लग सकता है ये आपके HVAC यूनिट्स में लग सकता है। अगर मैंने HVAC यूनिट में इस नैनो फाइबर की जगह कोई मार्केट से दूसरा नैनो फाइबर लेके लगा दिया तो कोई डिफरेंस आएगा? चोक जल्दी हो जाएगा सर, वो चोक जल्दी हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि अगर वो 6 महीने में चोक हो रहा है तो ये आपको 2 साल तक चलेगा। एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जिसपे मैं आपका, यस, सिगी बर्ड। सो ये वो प्रोडक्ट है जो कि निकोटिन को रिड्यूस करता है जब भी आप सिगरेट स्मोक करते हैं, जिससे कि आप अपनी अर्ज ऑफ स्मोकिंग या सिगरेट की लत से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके 3 ग्रेड्स हैं। पहले हम 30% रोकते हैं, फिर 50%, फिर 80%। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करूं। अभी ये फिल्टर जो है, बस ये कितने साल हो गए पता है आपको? जब से सिगरेट बनी है लोग ये फिल्टर लगा के पीते हैं। इस सिगरेट फिल्टर से अगर कोई स्मोक करता है तो वो इटसेल्फ 1 या 2 स्मोक के बाद ही समझ जाता है कि क्या इसमें डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रोडक्ट अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। और ये है हमारे पॉलीमर की खासियत। क्या रेवेन्यू है अभी? लाइफ टाइम रेवेन्यू अगर मैं बताना चाहूँ कंपनी का अभी तक, तो 15 करोड़ तक का अभी तक हमने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। कोविड के बाद का बताइए। 19-20 के अंदर जब पेंडेमिक था तो 7.6 crore वाज दी एनुअल रेवेन्यू, और उसके बाद में डिक्लाइन आया, फिर 4.9 crore गया, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर इट वेंट डाउन टू 1.1 crore। ऑब्वियसली इसकी सेल कितनी हुई आपकी?
इस प्रोडक्ट को वैसे हम 2 दिसंबर को अभी लॉन्च कर रहे हैं, सो अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है बस। तो अभी आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है? अभी तक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट नेजो फिल्टर्स। ये वाले ये जो हैं, ये आपने कितने बेचे हैं, कितने बेच रहे हो आजकल? अभी तो एवरेज रेवेन्यू चल रहा है तकरीबन 5 लाख रुपए महीना। रिटेलर्स को बेच रहे हो, कंज्यूमर डायरेक्ट उठा रहे? 25% है B2C सेल्स, जिसमें मेजरली अमेजन के थ्रू हो रही है। 75% है B2C सेल्स, जो कि रिटेलर्स के थ्रू और डॉक्टर्स के थ्रू हो रही है, जैसे कि पल्मोनरी ENT डिविजन्स के अंदर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए। कितने का आता है? इट इज अ पैक ऑफ 30, जो कि 330 रुपए इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस पे। फॉर अ मंथ? फॉर अ मंथ। रीयूजेबल नहीं है? रीयूजेबल नहीं है, डिस्पोजेबल। देखिए, मेरे को इस प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट समझ नहीं है, वो सेल्स के नंबर में भी दिखता है, आपकी गिरती हुई सेल है। ज्यादा अच्छी है, मैं उसके लिए आर्ग्यू नहीं कर रहा, बट इसका कमर्शियल यूज मेरे को अभी तक समझ नहीं आया है। इस रीजन से मैं आज आउट होना चाहूंगा। एज अ कंज्यूमर, मेरे को आपके प्रोडक्ट्स जो है ना, जो नाक में लगाने वाले, ई सिगरेट में लगाने वाले, ये नहीं समझ आ रहे। फॉर दैट रीजन मेरे को लगता है कि आपको उस एरिया में B2B और उस डायरेक्शन में ज्यादा फोकस करना चाहिए, नॉट ऑन द कंज्यूमर साइड ऑफ थिंग्स। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। पहले तो प्रतीक, आप IIT दिल्ली से, दैट्स नॉट अ जोक, राइट? प्लस आपने जो यू नो जिस रीजन से ये किया है, बहुत नेक रीजन है। आपकी माँ, यू नो, यू वर वेरी अपसेट उनके साथ जो हुआ उसके वजह से, तो ये सब चीजों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड दैट्स व्हाई एज अ वेल विशर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये प्रोडक्ट प्लीज आप डिसकंटिन्यू कीजिए। एंड आपकी जो ये नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी है, इसका इंडस्ट्रियल में बहुत यूसेज है, वहां आप फोकस कीजिए, हम आपके कस्टमर जरूर बनेंगे। बट फॉर दिस आई एम आउट। आपकी पॉलीमर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कोई? यस सर, ये रेसिपी है। आप मेरे को पता नहीं क्या एप्लीकेशन बनेगा, लेकिन आप प्लीज पॉलीमर पे फोकस करके कोई एप्लीकेशन ऐसा निकालिए जिसका बहुत वाइड एप्लीकेशन हो और आपके पैसे बने, धंधा बने। ये सब चीज जो कर रहे हैं ना, ये थोड़ा टटकुंजिया काम है, इससे पैसे नहीं बनेंगे, इस वजह से मैं आऊंगा। मेरे को लगता है आपका जो है ना कोर स्किल सेट, वो इनोवेशन है। एंड प्रोडक्ट का काम करने की जगह नैनो फाइबर का काम करिए, ये बेचिए आप। तो अभी मैं इससे बाहर हूँ। प्रतीक जी, मैं एक लास्ट चीज कहना चाहूंगी, आप बुरा मत मानिए, हमारा जॉब है शार्क से आपको आईना दिखाना जी। लेकिन मैं आपको इनवाइट करती हूँ MQO, थोड़े हमारे फैक्ट्री के लोगों को मिलिए, इसके आपको बहुत यूसेजेस, जिसके अच्छा सेल्स होगा आपको हम बताएंगे, ठीक है? श्योर, गुड लक। गुड लक, बाय। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ शार्क टैंक इंडिया, और वहाँ पे डील्स, पिचेस, एंटरप्रेन्योर्स और शार्क्स, और मोर इम्पोर्टेंटली मैं भी हूँ। तो सब्सक्राइब करिए, देखिए, और लास्ट में बोलते हैं लाइक करिए, मैं कहता हूँ लव करिए।